सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। दिनांक 15 अप्रैल 2020, दिन बुधवार। आज की इस कक्षा में हम शुरू करेंगे पाठ एक, जागरण गीत कविता के कविता की व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। इससे पहले की दो कक्षाओं में आपको मैं कविता के दो पद्यांश पहले ही करा चुकी हूँ। आप आगे की कविता आप देखते हैं। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं। तुम उठो धरती उठे, नवशीर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए, विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। दास्ता इंसान की करनी नहीं है, दास्ता भगवान की करनी नहीं है, वेदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूँ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं। यहाँ पर कवि आलसी व कायर व्यक्तियों को उत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपने मन में बसी हुई जंजीरें या बंधन, श्रृंखलाएं मतलब बेटा बंधन या जंजीर, कौन सी जंजीर या कौन से बंधन, तुम्हारे मन को कमजोर करने वाले हीन विचारों को अपने मन से निकालकर खंड खंड कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर उन्हें अपने मन से बाहर निकाल दो। तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, और अपने मन से सभी संकीर्णताओं मतलब तुच्छ विचारों को, छोटे विचारों को, संकुचित विचारों को निकाल कर बाहर फेंक दो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं। मैं तुम्हें एक छोटी वस्तु के समान शीघ्र नष्ट नहीं होने दूंगा, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को मैं उजागर करने के लिए, उन्हें सिंधु के समान विशाल बनाने के लिए मैं आ रहा हूं। दोबारा देखिए बेटा, तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तुम अपने मन में बसी हुई बंधन की जंजीरों को या तुच्छ विचारों को जो तुम्हारे मन को कमजोर कर रहे हैं, उन्हें खंड खंड करके अपने मन से बाहर निकाल फेंको। तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं, और अपने मन से छोटे विचारों को, जंजीरों को, बंधनों को तोड़ करके बाहर निकाल दो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, मैं तुम्हें एक लघु वस्तु के समान शीघ्र ही नष्ट नहीं हो जाने दूंगा, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को उजागर करने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम उठो धरती उठे, नवशीर उठाए, यदि तुम उठोगे, तुम जागृत हो जाओगे, यदि तुम साहस करोगे, तो तुम्हारे साथ साथ धरती आकाश सभी में नई गतिशीलता आ जाएगी, और वो भी तुम्हारे साथ क्या हो जाएंगे, गतिशील हो जाएंगे। तुम चलो गति में नई गति झनझनाए, कि अगर तुम साहस करोगे तो तुम्हारे साथ साथ धरती नब सभी में नई गतिशीलता भर उठेगी, और वो भी तुम्हारे साथ गतिशील हो जाएंगे। विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, विपत मतलब कुमार, बुरा मार्ग बेटा, मैं तुम्हें बुरे रास्ते पर वापस नहीं जाने दूंगा। विपत होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा मतलब मैं तुम्हें कुमार पर दोबारा से नहीं चलने दूंगा, बल्कि तुम्हें कौन से रास्ते पर लेके जाऊंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, अग्रसर करने के लिए आ रहा हूं। दास्ता इंसान की करनी नहीं है, दास्ता भगवान की करनी नहीं है। दास्ता का अर्थ क्या होता है बेटा, गुलाम होना या सेवक होना। तो यहां पर कवि क्या कह रहे हैं कि किसी का गुलाम होना या किसी के अधीन काम करना, यह किसकी, इंसान की करनी नहीं है, यह इंसान की करनी नहीं है। क्या है यह,
उसके कर्मों का फल है, जितना वो साहस करेगा उतना ही उसे फल प्राप्त होगा। कई बार क्या होता है कि मनुष्य केवल यह कहकर रह जाता है कि मेरे कर्म में शायद ऐसा ही लिखा था या भगवान ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, तो यह सत्य नहीं है। बल्कि सत्य क्या है कि जितना हम संघर्ष करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे, उतना ही फल हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार दूसरों के गुलाम होना ना तो इंसान के हाथ में है और ना ही भगवान के, बल्कि किसके हाथ में है? हमारे कर्मों पर, हमारे परिश्रम पर, हमारे संघर्ष पर ये आधारित होता है। वेदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, और मैं तुम्हें, वेदना मतलब दुख के कारण मैं तुम्हें कभी भी झुकने नहीं दूंगा। तुम्हारे अंदर इतना साहस, इतनी शक्ति मैं भर दूंगा। वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूं, और तुम्हारे इस साहस को देखकर लोग तुम्हें पूजने, तुम लोगों के लिए क्या हो जाओगे? वंदनीय मतलब पूजा करने योग्य हो जाओगे। मैं तुम्हें इस लायक बना दूंगा, तुम्हारे अंदर इतना साहस भर दूंगा। एक बार दोबारा देखिए कि जो दासता है या किसी का सेवक है या गुलाम होना है, वह ना तो इंसान करता है और ना ही भगवान, बल्कि यह किस पर आश्रित होता है? यह हमारे कर्मों पर आश्रित होता है कि हमारे भाग्य में हमें क्या चीज प्राप्त होती है। वेदना में मैं तुम्हें झुकने न दूंगा, और मैं तुम्हें दुख के कारण किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें इस लायक बना दूंगा कि लोग तुम्हारी पूजा करने लगे। वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूं, कि तुम लोगों के लिए क्या हो जाओगे? पूजनीय हो जाओगे। अब आप शब्दार्थ देखिए बेटा, श्रृंखलाएं, बंधन, जंजीर, संकीर्णताएं, संकुचित और विचार। अब इसके, इससे पहले वाली कक्षाओं में भी मैं आपको शब्दार्थ करा चुकी हूँ बेटा, वह सभी शब्दार्थ अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, और कोई भी तीन वाक्य प्रयोग भी आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में करने हैं। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर और कार्य पत्रिका आप स्कूल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।